इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 13 को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना है। आपको बता दें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की होनी है दिल्ली में, और इस बीच इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 3 महत्वपूर्ण राज्य हिंदी बेल्ट के, वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिन्हें लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद यहां पर इलेक्शंस हैं और इसे देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी बैठक के बारे में कि क्या कुछ इसमें बैठक में होना है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर में चुनाव होने हैं, ऐसे में बेहद अहम ये बैठक। देखिए बिल्कुल, ये अहम बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 13 सितंबर को ये बैठक जो है रखी गई है, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर जो टिकट वितरण है उसकी जो फाइनलाइज होती है वो करने की कोशिश यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हमने देखा कि चुनाव से पहले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव घोषित होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, उसके संदर्भ में जो सूची है वो जारी कर दी है। तो ऐसे में अब जब केंद्रीय चुनाव समिति की दोबारा बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि एक और जो सूची है प्रत्याशियों के संदर्भ में वो भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। हमने देखा कि लगातार बड़े जो नेता है वो छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें दौरे पर देखने को मिलते नजर आते हैं। गृहमंत्री अमित शाह की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, और लगातार चुनाव संबंधित तैयारियां हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। तो बीजेपी अभी टिकट वितरण के मामले में बात करते हैं तो कांग्रेस से एक कदम आगे है, चाहे वो तमाम राज्यों की बात करें जिसमें छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, कांग्रेस भी लगातार टिकट वितरण को लेकर जो है जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल 13 सितंबर को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और उम्मीद है कि एक और सूची जो है सीधे तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर जो है जारी होती नजर आ सकती है। जी बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।